दिन दहाड़े महिला सांसद की हत्या, पहले चाकू से वार फिर मारी गोली। नॉर्थ इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के शांतिपूर्ण इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अपराधी ने दिन दहाड़े विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स पर हमला कर दिया। जो कॉक्स अपने चुनावी क्षेत्र में थी, तभी हमलावर ने उन पर पहले चाकू से हमला किया, उसके बाद उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में कॉक्स को लीड्स जनरल इन्फर्मरी लाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि जो कॉक्स मई 2015 में ही सांसद चुनी गई थी। ये वारदात ब्रिटेन के यूरोपीय संघ सदस्यता पर होने वाले जनमत संग्रह से पहले हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर जो कॉक्स पर हमला करने से पहले दो बार चिल्लाया, ब्रिटेन के हित को ऊपर रखो। लेबर पार्टी की सांसद जो कॉक्स अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रही थी, जहां एक कहासुनी के बाद कथित रूप से ये हमला हुआ। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि जो कॉक्स ने आज हुए हमले के बाद दम तोड़ दिया। पश्चिम यॉर्कशायर पुलिस ने बताया कि 52 साल के एक व्यक्ति को ब्रिस्टल की मार्केट स्ट्रीट के पास गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। गौरतलब है कि कॉक्स देश में 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह से पहले ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने का समर्थन कर रही थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और हत्या के कारणों की असली वजह खोज रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।